हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ई लर्निंग विद दुर्गेश में। सीडीपी की स्मार्टफोन क्लास में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड, यह क्लास आपकी सीडीपी के दृष्टिकोण से, आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण क्लास, इसलिए फ्रेंड आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्लास से जुड़ें और वीडियो को शेयर करिएगा। क्लास को प्रारंभ करते हैं फ्रेंड। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन के साथ क्लास को प्रारंभ करेंगे। आप सभी लोग जैसे जैसे जुड़ते जाए वीडियो को शेयर करते चलिएगा। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा, सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत को का प्रतिपादन किया है। जी हाँ फ्रेंड, सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, कितने किया है? थान राय, कोहलर, पावलाव, उडवर्थ। फटाफट बताएं फ्रेंड कि सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि सूर्य द्वारा सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। जी हाँ, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, कल की क्लास में हम लोगों ने इसको पढ़ा था, तो कुछ नहीं करेंगे, आगे बढ़ेंगे। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सूर्य या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, जिसको इनसाइड थियरी ऑफ लर्निंग कहते हैं, समग्रवाद का सिद्धांत कहते हैं, इन विभिन्न नामों से इसको हम जानते हैं। तो जी हाँ, गेस्टाल्टवाद के से संबंधित ये थियरी है। तो गेस्टाल्टवाद के जनक भी आप सभी को पता होंगे कौन है। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, बी द राइट आंसर फ्रेंड, कोहलर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया है प्रेरणा, संवेदना, सीखना या प्रत्यक्षीकरण। जी हाँ फ्रेंड, बात कर रहे हैं कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रेरणा कहते हैं, संवेदना कहते हैं, या सीखना कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण कहते हैं? फटाफट अपने आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड। जी हाँ, चलिए इस क्वेश्चन के लिए अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे फ्रेंड कि कार को आरंभ करने तथा जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। चलिए ए ए ए ए ए ए विकल्प नंबर ए, सभी साथियों के कमेंट आने प्रारंभ हो चुके हैं, तो विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बहुत बढ़िया, सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं। प्रेरणा इज द राइट आंसर, उसको मोटिवेशन कहा जाता है। कार को आरंभ रखने, जारी रखने तथा नियमित करने की प्रक्रिया को मोटिवेशन कहा जाता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ए इज द राइट आंसर, मोटिवेशन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़िए, विस्मृति, जी हाँ, विस्मृति कम करने का उपाय है, सीखने में कमी, सीखने की त्रुटिपूर्ण विधि, पाठ की पुनरावृत्ति या स्मरण करने में कम ध्यान। बताएं फ्रेंड, विस्मृति कम करने का उपाय है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्मृति को कम करने का उपाय है? कहने का मतलब फ्रेंड, भूलने की जो क्षमता होती है उसको कम करने का उपाय क्या है? चलिए सी 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 आंसर, सभी साथी फटाफट कमेंट सेक्शन में अपने आंसर कमेंट करें, बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। जी हाँ, विकल्प नंबर सी ज़्यादातर साथी कमेंट कर रहे हैं, सभी के जवाब लगभग सही हैं। पाठ की पुनरावृत्ति सीखने को कम करने का उपाय का सबसे बेहतर तरीका है। कहने का मतलब फ्रेंड कि यदि भी किसी भी चीज़ का, किसी भी पाठ का आप यदि बार बार रिवीजन करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, तो चीज़ें क्या आती है, भूलने जो भूल जाती हैं, उस समस्या से आपको निजात मिलेगा। इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे, क्रोध व भय प्रकार है, प्रेरणा का, संवेग का, परिकल्पना का या मूल प्रवृत्ति का? बताएं फ्रेंड, क्रोध व भय का प्रकार है, किस प्रकार का? प्रेरणा का है, संवेग का है, परिकल्पना का है, मूल प्रवृत्ति का है? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्रोध व भय प्रकार है किसका? आप सभी के आंसर बिल्कुल सही होने चाहिए, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड, आप सभी के जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए। क्रोध और भय, जी हाँ, क्रोध और भय प्रकार है, बिल्कुल आप सभी के जवाब सही हैं, बी वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं, संवेग का। जी हाँ, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्रोध और भय जो है प्रकार है वह संवेग का है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बी द राइट आंसर, संवेग इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है, सीखना, अनुकरण, कल्पना व चिंतन। फटाक से बताएं फ्रेंड कि दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल क्या है? सीखना है, अनुकरण है, कल्पना है, चिंतन है? जी हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, किसी का नकल करना,
अनुकरण कहलाता है। जी हाँ, अनुकरण कहलाता है। अनु मतलब होता है पीछे, करण मतलब क्या है, करके पीछे, मतलब पीछे देख कर चलना या पीछे कदमों पर चलना। तो मतलब कहने का किसी के बाह व्यवहार की यदि आप नकल करते तो उसे अनुकरण कहा जाता है। तो विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जैसे जैसे कहते हैं ना कि यदि कोई बुरी संगति में है और आप उसका अनुसरण कर रहे हैं तो आप भी बुरी संगति में पड़ जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि बाह व्यवहार का जो आप नकल करते हैं उसे अनुकरण का नाम दिया जाता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी के आंसर बिल्कुल सही हैं। अगला, यदि पूर्व ज्ञान, जी हाँ, यदि पूर्व ज्ञान व अनुभव नए प्रकार के ज्ञान, नए प्रकार के ज्ञान व अनुभव में सीखने में सहायता प्रदान करते हैं तो उसे कहते हैं नकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, सकारात्मक प्रशिक्षण स्थानांतरण, प्रशिक्षण स्थानांतरण या सीखना। या फ्रेंड, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान व अनुभव यदि दूसरे स्थिति में सहायकता प्रदान करता है तो उसे क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, तो उसे क्या संज्ञा देते हैं। चलिए, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन फ्रेंड। लगभग लगभग सभी छात्रों के जवाब 100% सही हैं। इसको सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। जैसे यदि आप साइकिल चलाना सीख गए हैं और साइकिल की सहायता से आप मोटरसाइकिल चलाना सीख जाते हैं तो एक प्रकार का सकारात्मक अधिगम कहा जाएगा। जी हाँ, इसी प्रकार यदि आप हिंदी पढ़ना सीख गए, हिंदी बोलना सीख गए हैं, हिंदी को लिखना सीख गए हैं, उसकी सहायता से यदि आप संस्कृत को पढ़ लेते हैं, बोल लेते हैं, लिख लेते हैं तो यह एक प्रकार का सकारात्मक अधिगम कहा जाएगा। इसलिए विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सीखी हुई बात, जी हाँ, सीखी हुई बात को स्मरण करने तथा पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं कल्पना, स्मृति, विस्मृति या ध्यान। यह भी क्वेश्चन फ्रेंड बिल्कुल सिंपल है। यहाँ कमेंट कर रहे हैं कि शून्य स्थानांतरण क्या होता है। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति के लिए न तो बाधा उत्पन्न करे और न ही सहायक हो तो इस स्थिति को शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं फ्रेंड। जैसे कबीर के दोहे रटने पर रहीम के दोहे का उसका कोई प्रयोग नहीं होता है। और यदि आप भारत में, इंडिया में अगर ड्राइवरी कर रहे हैं तो उस ड्राइवरी रूल का अमेरिका में कोई काम नहीं होता है। जी हाँ फ्रेंड, इसलिए उसे हम शून्य अधिगम स्थानांतरण कहते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि सीखी हुई बात को स्मरण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को कहते हैं विस्मृति। बिल्कुल, विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, विस्मृति की संज्ञा देते हैं। विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सी द राइट आंसर, विस्मृति की संज्ञा देते हैं उसको। अगला क्वेश्चन है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है मंद, सामान्य, श्रेष्ठ, क्षीण। पढ़ा दे बताएं फ्रेंड, 90 से 100। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी छात्रों के जवाब बिल्कुल सही होने चाहिए भाई, क्योंकि ये सिंपल क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है कि जो टर्मन ने बुद्धि लब्धि का जो सारणी बनाई है उसके अनुसार जो 90 से 100 स्तर के बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं उन्हें सामान्य बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। बी द राइट आंसर, विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सामान्य बुद्धि की श्रेणी में उनको रखते हैं। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएं प्रतिभाशाली बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि क्या होती है। अगला क्वेश्चन, सीखने के संबंध में प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था। बहुत सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, जल्दी से अपने आंसर कमेंट कर दीजिए। बिल्ली पर, कुत्ते पर, बंदर पर या चूहे पर। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। विकल्प नंबर 20 द राइट आंसर फ्रेंड, कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव जी ने, कुत्ते पर। विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। बहुत बढ़िया फ्रेंड। यहाँ विकल्प नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड। आगे बढ़िए,
मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास, जी हाँ फ्रेंड, मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास को निम्न में से किसने महत्व दिया है? कामनेनियस, हाल, हॉलिंगवर्ड या फ्रायड? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि मनोलैंगिक विकास को किसने महत्व दिया था। मनोलैंगिक विकास, फटाफट आंसर कमेंट करके बताएं कि मनोलैंगिक को किसने जगह दिया था, किसने जो है महत्व दिया था। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी के जवाब सही हैं, फ्रायड इज द राइट आंसर। फ्रायड ने मनोलैंगिक विकास को महत्व दिया था, इसलिए विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? डब्ल्यू ओंट, सिगमंड फ्रायड, पावलोव या वाटसन? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी फ्रेंड? सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है फ्रेंड। जी हाँ, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। जी हाँ, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम उंट ने 1879, जी हाँ 1819 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर, जी हाँ जर्मनी के लिप्जिंग शहर में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी डब्ल्यू उंट, विलियम उंट जी ने। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में विलियम उंट महोदय ने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की थी। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड, फ्रांज ब्रेंटोनो, मैक्स वर्दीमर, एडगर रूबिन या कर्ट लेविन? तो ये फ्रेंड बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, आई होप आपने कल के क्लास को अटेंड किया होगा, ये सभी साथियों के जवाब 100% सही होंगे क्योंकि बेहद सिंपल क्वेश्चन है। मैक्स वर्दीमर को आप गेस्टाल्टवाद का जनक कहते हैं, प्रयोगकर्ता के रूप में आप कोहलर को जानते हैं और सहयोगी के रूप में जिसका नाम प्रसिद्ध, उसका नाम है कोप्ता। जी हाँ, कोप्ता का नाम सहयोगी के रूप में प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, मैक्स वर्दीमर को गेस्टाल्टवाद का पिता कहा जाता है, इन्होंने ही गेस्टाल्टवाद की नींव रखी थी। गेस्टाल्टवाद का फ्रेंड जो अर्थ होता है प्रत्यक्षीकरण या पूर्ण रूप से अध्ययन करना, पूरा कृति। संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम से, अप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है। जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं, संगणन सिद्धांत का संबंध किससे है? अधिगम से है, अप्रेरणा से, स्मृति से या सृजनात्मकता से है? संगणन सिद्धांत, सी 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 सी, काफ़ी सारे साथी आपसे नंबर सी कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल सही हैं, सभी साथियों के जवाब बिल्कुल सही हैं, आपसे नंबर सी द राइट आंसर। संगणन सिद्धांत का संबंध स्मृति से है, विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं, सी द राइट आंसर। संगणन सिद्धांत का संबंध स्मृति से है, इसलिए विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग के योगदान का है? किस वर्ग का योगदान है? व्यवहारवादियों का, संरचनावादियों का, मनोविश्लेषकों का या गेस्टाल्टवादियों का? जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड कि क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्या व्यवहारवादियों का योगदान है, क्या संरचनावादियों का योगदान है, क्या मनोविश्लेषक का योगदान है, क्या गेस्टाल्टवादियों का योगदान है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, काफ़ी बार पूछा गया है, इसलिए सभी साथी ध्यान से अपने अपने आंसर को कमेंट करेंगे, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का योगदान है? क्षेत्र सिद्धांत, बहुत बढ़िया, विकल्प नंबर डी वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। क्षेत्र सिद्धांत की जब बात करते हैं तो हम गेस्टाल्टवादियों का जिक्र करते हैं क्योंकि उन्हीं की देन है कि क्षेत्र सिद्धांत को हम लोग जानते हैं, प्रचलित है क्षेत्र सिद्धांत। विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, डी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं, जितने भी साथी विकल्प नंबर डी कमेंट कर रहे हैं। जी हाँ, फील्ड थियरी ऑफ लर्निंग को कर्ट लेविन ने दिया था, विकल्प नंबर डी क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला, भाटिया स्केल निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयोग किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता? भाटिया स्केल का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे, बेहद सिंपल क्वेश्चन है,
इस क्वेश्चन के लिए सभी साथियों के आंसर 100% सही होना चाहिए। फटाफट आंसर कमेंट करिएगा कि भाटिया स्केल का प्रयोग किसके परीक्षण हेतु किया जाता है, जल्दी से बताइए। चलिए सी 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 सी, बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी साथियों के जवाब 100% सही है। भाटिया स्केल का प्रयोग फ्रेंड बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है, विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का 100% और बिल्कुल सही जवाब है। जी हाँ, विकल्प नंबर सी वाले सभी साथियों के जवाब 100% सही हैं। हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, हाल मतलब स्टेनले, हाल का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, बुद्धि की प्रकृति, अधिगम में अप्रेरणा की भूमिका, मूल्यों का विकास या किशोरों का मनोविज्ञान। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड। स्टेनले हाल की डिफिनेशन को कल ही हम लोगों ने जिक्र किया था, आज पुनः जिक्र करते हैं। स्टेनले हाल ने कहा था कि किशोरावस्था के बारे में इन्होंने कहा था कि एडोलसेंस इज द एज ऑफ स्ट्रगल स्ट्रोम एंड स्ट्रेस, मतलब किशोरावस्था संघर्ष तनाव तूफान की अवस्था है। इन्होंने एडोलसेंस नामक एक पुस्तक लिखी थी, इसलिए इन्हें किशोरावस्था का जनक कहा जाता है। किशोरावस्था के बारे में सर्वनाम थियरी, सर्वमान्य थियरी इन्हीं की है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी के आंसर 100% सही हैं। किशोरावस्था का मनोविज्ञान के जनक के तौर पर इनका नाम प्रसिद्ध है। विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जी हाँ, अगले क्वेश्चन है कि व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास को परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं फ्रेंड। व्यवहारिक क्षमताओं का वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं, अधिगम, अप्रेरणा, अवृत्ति या क्षमता। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है फ्रेंड कि व्यवहारिक क्षमताओं का सापेक्ष जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है। कहने का मतलब फ्रेंड कि व्यवहार द्वारा व्यक्ति में जो अस्थायी परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है। स्किनर के शब्द में कहें तो व्यवहार उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया अधिगम है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़िए फ्रेंड, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, संज्ञान किस बुद्धि के सिद्धांत का हिस्सा है, प्रतिदर्श सिद्धांत, समूह कारक सिद्धांत, गिलफोर्ड सिद्धांत या फ्लूइड एंड क्रिस्टाइल सिद्धांत। बताएं फ्रेंड, संज्ञान किस प्रकार के बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है, जल्दी से आंसर कमेंट कर बताएं कि संज्ञान किस प्रकार के बुद्धि सिद्धांत का हिस्सा है। चलिए सी 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 आंसर आने प्रारंभ चुके हैं सभी साथियों के, जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है। चलिए बेहद बहुत बढ़िया, आंसर लगभग सभी साथियों के आने प्रारंभ हो चुके हैं। जी हाँ, चलिए बिल्कुल जेफी गिलफोर्ड का त्रिविमीय सिद्धांत, जी हाँ, त्रिविमीय सिद्धांत या संरचना सिद्धांत, जी हाँ, संरचना सिद्धांत को ही संज्ञान का प्रयोग किया जाता है, इसलिए विकल्प नंबर 30 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आठ वर्ष के सुधीर की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है। तो आप सभी को पता है फ्रेंड कि आईक्यू इक्वल टू फार्मूला होता है एम ए अपान सी ए इंटू 100। तो मेंटल एज है फ्रेंड 10 वर्ष और क्रॉनिकल एज है 8 वर्ष, और 100 से गुणा कर देंगे यदि हम आपको तो 4 दुनी 8 और 4 से करेंगे तो हो जाएगा 25, तो 2 से करेंगे 5, मिला जुला कर आ गया 125। इसका मतलब विकल्प नंबर डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप भी सीख लीजिए फ्रेंड, फिर से देख लीजिए इसको। आईक्यू का फार्मूला होता है एमए अपान सी ए इंटू 100। तो कह रहा है कि 8 वर्ष का सुधीर, मतलब जो क्रॉनिकल एज है, जो क्रॉनिकल एज 8 वर्ष है, अब मानती का 10 वर्ष, मतलब मेंटल जो एज है वह कितना है 10 वर्ष। ठीक, हमने फार्मूले पर रख दिया, उसके बाद आसानी इसको सॉल्व कर लिया, विकल्प नंबर डी हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़िए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है। जेम्स लैंग का सिद्धांत, हाइपोथैलेमिक सिद्धांत, सक्रियता का सिद्धांत है, प्रेरणा का सिद्धांत। जी हाँ,
विकल्प नंबर डी कमेंट आ रहे हैं, चलिए। करतंबे का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होते हैं? चलिए ए बी बी डिफरेंट डिफरेंट कमेंट आ रहे हैं। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब फ्रेंड, जेम्स लैंग। जी हाँ, जेम्स लैंग सिद्धांत नाम से जाना जाता है संवेग के सिद्धांत को, जिसमें संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित होता है। विकल्प नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है फ्रेंड, ए इज द राइट आंसर। वीडियो के अंत में सभी साथी अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करेंगे, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए, कितने में मिस्टेक हुई। यह था आपका आज का अंतिम क्वेश्चन फ्रेंड, आई होप आप सभी लोगों ने इस क्लास को अच्छे से इंजॉय किया होगा। मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।